everybody.
जोरदार ताली ऊंचा। I'm not afraid.
बहुत बड़ी। Thank you.
आले ज्यांनी हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी या ठिकाणी दोन दिवसापासून या ठिकाणी कष्ट घेतले. क्रेजी किड चंदन भैया, संतोष, शुभम, देवा, दीपक, सबको मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा और बच्चे सबसे विनती करता हूँ कि आप सभी का यहाँ पर स्टॉल पीपल देकर यहाँ पर सम्मान करें. क्रेजी किड्स के संचालक सुशील जी छाबरा और उनकी टीम का यहाँ पर सम्मान हो रहा है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिल जान से मेहनत की है. 10-15 दिनों से लगातार यहाँ पर एलईडी लाइट की जिन्होंने लाया है दयान सर, इनको भी यहाँ पर मैं आमंत्रित करता हूँ. उनका भी मैं विनती करता हूँ कि आपके शुभ हाथों से यहाँ पर जिन्होंने मंडप की व्यवस्था की है उनका भी यहाँ पर आपके हाथों सम्मान हो. जिन जिन लोगों ने यहाँ पर इस सांस्कृतिक समारोह को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया है उन सभी का यहाँ पर सम्मान हो रहा है. तालियों की गूंज के साथ यहाँ पर यह सम्मान हम सभी मना रहे हैं. इनके सिवा ये हो नहीं सकता था जिन्होंने अपना पूरा के पूरा योगदान यहाँ पर दिया है. मैं आखिरी सम्मान करना चाहता हूँ दीपक सर जी का, वह भी मंच पर आ जाए. और मैं क्रेजी किड के प्रोपराइटर और मालिक डायरेक्टर छाबरा जी से विनती करता हूँ कि आप दीपक सर का सर. अगले साल 1500 बच्चे दो दिन गैदरिंग विद जूनियर कॉलेज, ये सुनो. और मतलब आज देखने के बाद लग रहा है बिल्कुल बॉम्बे स्टाइल के बच्चे डांस कर रहे हैं, ये सुनो. बस आपका ये प्यार बना रहे, आपका विश्वास बना रहे, हम सब मिलके ऐसे ही 31st सेलिब्रेट करेंगे, ये सुनो. फिर एक बार सुशील जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ. सर्वांना पुढच्या वर्षीसाठी नव्या वर्षासाठी ॲडव्हान्समध्ये आत्ता खूप खूप शुभेच्छा देतो. नवीन वर्ष सर्वांना सुखाचं आनंदी जाईल आणि तुमच्या सर्व अपेक्षा पूर्ण करणारं जावो अशी परमेश्वराची प्रार्थना करतो आणि विनंती करतो सर्वांना की जाताना अतिशय शांतपणे जावो. 31 डिसेंबर आहे, बाहेर निघतानाही अतिशय शांतपणे निघा आणि सुरक्षित पोहोचा. आपण सर्वजण या ठिकाणी अतिशय शांतपणे हा कार्यक्रम यशस्वी आणि पार पडला त्याबद्दल सर्व पालकांचं, चितचिंतकांचं, गावातील सर्व घोरामोठ्यांचं आणि या कार्यक्रमाला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ज्यांनी ज्यांनी खूप मोठं योगदान दिलं, सहकार्य केलं, सर्वांचा नामोल्लेख करणं शक्य नाही. पण सर्वांच्या प्रती पुन्हा एकदा कृतज्ञ भाव व्यक्त करतो, सर्वांचे मनापासून खूप खूप आभार व्यक्त करतो.
शाळेतील टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ सर्वांचं मनापासून खूप आभार व्यक्त करतो आणि हा कार्यक्रम तुमच्यामुळे यशस्वी झाला म्हणून तुम्हा सर्वांना याचं श्रेय देतो आणि शेवटचा प्रोग्राम होईल आणि त्यानंतर सर्वांना जाण्याची परवानगी असेल. मेरे जवान दोस्तों, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बताओ क्या मेरी मां का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है वो खड़ी होगी घर के चौखट पे, उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है. घर की दहलीज में पहुंचते ही मुझे कंधे से उतार देना और मेरी मां के निकट जाके पूछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना. कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिनों में इंकलाब की भावनाओं का बीज बोया है. खुश हो जा मां, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया है. मां को रोता सुन पिताजी भी बाहर आएंगे देख कर अपने बेटे को ऐसा, वो भी बिखर जाएंगे. तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे, छीन लिया उनके बुढ़ापे का सहारा ताकि देश मेरा जवान रहे. मेरे छोटे भाई से कहना कि मां को संभाल ले वो, पर ये बात भी जहन में डाल ले वो कि एक मां यहां आंसू बहा रही है तो दूसरी मां उसे सरहद पे बुला रही है. उसे एक मां के दूध का कर्ज भी चुकाना है और दूसरे मां के लिए कर्ज भी निभाना है. मेरी बीवी सहमी सी बैठी होगी, उसे कहना कि करवा चौथ हर साल रखे और तब तक रखे जब तक आसमान में चंदा है, तो क्या हुआ उसका पति जिंदा नहीं, देश तो जिंदा है. जलकर इस देश की मिट्टी में मिल जाऊंगा मैं शहीद, देश प्रेम का फूल बनकर दोबारा खिल जाऊंगा मैं. ऐ मेरे दोस्तों, एक आखिरी बात आज के युवाओं से जरूर करना, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बेशक बनो लेकिन दिल में देश का नाम हमेशा रखना. कर सको तो कुछ ऐसा करना जिससे देश पे आने वाली हर मुश्किल की शिकस्त हो. पूरे साल तिरंगा कुछ यूं लहराए मानो हर दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त हो. जय हिंद. एक शहीद